कमेंसा जी आई गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग प्लीज टेक योर सीट थैंक यू सर आप जयवीर यस सर yes, uh, जयवीर अपना परिचय दीजिए जी मेरा नाम जावीर कुमार है मैं बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला हूं और वर्ष 2009 में मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद से मैं मैंने एसएससी की तैयारी की और वर्ष 2011 से मैं दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में पोस्टेड हूँ फिलहाल ए एस है सर अभी हाल में ही प्रमोशन हुआ है सेक्शन ऑफिसर में सर आप सेक्शन ऑफिसर हो गए यस सर जुलाई उन्नीस से सर सेक्शन ऑफिसर हो जाने का तो मतलब हुआ कि आप ग्रुप ए सर्विस में आ गए नहीं सर ग्रुप बी गजेटेड। ग्रुप बी गजेटेड में आ गए फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नो सर फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सर फोर थाउजेंड एट हंड्रेड और बिहार सेवा में आने से तो आपकी तनख्वाह कम होने वाली है फिर सर वहाँ लेवल नाइन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि अभी हाल ही में लेवल एट मिला है अड़तालीस सौ के ग्रेड पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा थोड़ा सा कम होगा सर तो कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की ज़्यादा तनख्वाह की नौकरी से राज्य सरकार और राज्य भी राज्य नहीं बिहार राज्य जहाँ पर तनख्वाह मिलने में भी तीन चार महीने लग जाते हैं वहाँ पर क्यों आना चाहेगा अगर आपका आपकी नज़र रिश्वत पर नहीं है तो सर बिहार से मेरा जो है सो लगाव रहा है सर बचपन से ही और मैं पहले ही सोचता था कि बिहार में अगर सिविल सेवा में आने का मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा और यहाँ पे मैंने पॉलिसी मेकिंग में जो है सो कुछ काम किया है लेकिन वहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो है सो काम जो है सो मैं देखना चाहता हूँ मैं अच्छे से करना चाहता हूँ इसीलिए मैं ऑलरेडी सेंट्रल सेक्रेट्रेट्स ऑफिस में है इसका अर्थ है कि ऑर्गेनाइज कैडर है जिसका मतलब है कि बहुत तेज़ी से आम तौर पर आपको तरक्याँ मिलती हैं द लिमिट आप कहीं भी पहुंच सकते हैं फिर आप क्यों केवल दो चार साल की फील्ड की नौकरी में मिलने वाली इज्जत और रिश्वत की वजह से अपने करियर पे आप खुद को लाड़ी मार रहे हैं सर वहाँ जो कार्ड करने का अवसर मिलेगा सर उसका सर, 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 सर। सर। फिर सेक्रेटरी आ जाएंगे ये सर वो तो सेक्रेटेट में भी आना पड़ेगा सर अगर बी एस भी मिलता है फिर भी सेक्रेटेट में सेवा देनी पड़ेगी लेकिन सर वहाँ फील्ड एक्सपीरियंस भी है और अपने लोगों के बीच फील्ड में काम करने का जो एग्जैक्टली exactly, मैं यही सुनना चाह रहा था ये, ये सर, अपने पराय जो है जब बिहार के खुद के लोगों में इतना ज़्यादा है फिर वो इस बात पर क्यों आपत्ति करते हैं जब बाहर के लोग हम लोग जब बाहर जाते हैं और हम लोगों को महाराष्ट्र में पिटाई की जाती है साउथ में पिटाई की जाती है तब फिर हमें क्यों आपत्ति होती है जब हम खुद ही अपने पराए इतना ज़्यादा करते हैं आप केंद्र सरकार की नौकरी छोड़ कर वापस दरअसल अपने लोगों में जाना चाहते हैं अपने लोगों में इज्जत पाना चाहते हैं तो वाइट हाउ डू वी हैव दिस मोरल राइट टू ऑब्जेक्ट टू बी बीटन इन महाराष्ट्र सर महाराष्ट्र में सर वहाँ का इशू अलग है सर यहाँ तो मैं एक सरकारी नौकरी से दूसरी सरकारी नौकरी में जा रहा हूँ और पब्लिक डोमेन में ही जा रहा हूँ और, और सरकार की सेवा के लिए ही जा रहा हूँ वहाँ तो लोग अपने रोजगार के लिए क्या जा रहे करते हैं फिलहाल आपकी जिम्मे कौन कौन सा आपकी जिम्मेदारियाँ क्या है अभी सर मुझे क्या सेक्शन में डीडीओ का वो काम दिया गया है सैलरी डिसबर्स करने का जो काम है वो मेरे पास है सैलरी और बिल्स वगैरह सेटल करने के लिए आ, हाल फिलहाल में जो आ, आ, सरकार के डायरेक्शन रहे हैं उसके तहत ये सारे काम आ, जो है वो ऑनलाइन होने आवश्यक हो गए हैं सैलरी से, डिसबर्समेंट जो है चेक से नहीं करते यस सर मुझे बताइए कि इसका क्या प्रभाव प्रशासन पर पड़ा है ख़ासतौर से परचेजेज और इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा सर ऑनलाइन होने से सर एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना आसान हो गया उसके बाद किसी भी पेमेंट को ट्रैक किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति जो है सो लास्ट टाइम में रिटायरमेंट होता है या कोई सस्पेंशन का केस चलता है या कोई चार्जे लगते हैं तो एक क्लिक में हम देख सकते हैं कि उसको सरकार के द्वारा कितनी सैलरी दी गई पहले पीबीआर से मेंटेन ले रिकॉर्ड लेना पड़ता था, था फिर उसको सर्टिफाई करना पड़ता था फिर पी को आने वाले समय में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो वो भी एक क्लिक में देख करके उनके रिटर्न को मैच कर सकता है। और साथ ही जो है सो इससे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है लोगों की साथ में इससे जो है सो ट्रांसपेरेंसी भी आई है ऑफिसर बड़े लेवल पे ऑफिसर कहीं भी देख सकते हैं कितना खर्च हुआ कितनी आवश्यकताएं हैं आसानी से इसको ट्रैक किया जा सकता है मैथिली साहित्य आपने पढ़ा है जी सर मैथिली साहित्य में विद्यापति मुख्य कवि है जैसे विद्यापति का प्रिय छंद कौन सा है किस छंद में कविता सबसे ज़्यादा करती सर वो तो भक्ति कवि के रूप में उनका जो श्रृंगार रस के कवि और भक्ति कवि के रूप में सवाल समझ पाए मैं छंद जानना चाह रहा हूँ छंद का संबंध शिल्प से है विषय वस्तु से नहीं यस सर तो विद्यापति किस छंद में अपनी काव्य अपने पद लिखते हैं विद्यापति की पदावली के अधिकांश छंद कौन से हैं ये तो अपने व्याख्या में भी लिखा होगा रोला है सोठा है चौपाई है कौन सा छंद है सॉरी सर बताइए जरा मैथिली के कुछ छंदों विद्यापति छोड़ दीजिए कुछ छंद बताइए मैथिली में जो कवियों ने इस्तेमाल किए हैं किसी ने भी सर छंद को मैं बढ़िया से याद नहीं कर और चोपाई में क्या दो सॉरी सर मैथिली पर बांग्ला का क्या प्रभाव है सर एक्चुअली बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है दरभंगा का क्षेत्र वो बंगाल से जुड़ा हुआ है इसीलिए जो है सो उस पर बंगला साहित्य का भी प्रभाव मिलता है और मिथिलाक्षर जो लिखी जाती थी उसमें जो है सो बंगला का स्क्रिप्ट बंगला का जो लिपि है उसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है मिथिलाक्षर के विषय वस्तु में मैथिली लेखन पर बांग्ला का कहाँ कहाँ प्रभाव देखने को मिलता है सर भक्ति काल में जो रचनाएं हुई वो उसमें जो है सो बहुत समानताएं मिलती है जैसे वहाँ पर ये चैतन्य महाप्रभु हुए तो उनका उनके काव्यों में भी जो है सो मैथिली का प्रभाव दिखता है उसके बाद मैथिली भाषा का जो है सो बहुत हद तक जो है सो कई जगह पर समानता मिलती है जैसे छी छी का प्रयोग जो है सो बंगला में भी बहुत हद तक किया जाता है सर मैथिली और भोजपुरी निकट के क्षेत्र की है। उसके बावजूद मैथिली साहित्य और भोजपुरी साहित्य की प्रकृति और विषय वस्तु में काफी अंतर है क्यों सर भोजपुरी बोली के रूप में ज्यादा फेमस है इसमें साहित्य पे उतना ज्यादा वर्क नहीं हो पाया जितना मिथिला क्षेत्र में हो पाया मैथिली पर हो पाया इसी कारण से सर मैथिली ये भोजपुरी बोली के रूप में और फिल्म में तो सर अच्छा वो फेमस हुआ और अच्छी प्रगति की है लेकिन वो भाषा में साहित्य का उतना विकास नहीं हो पाया इसमें लेखन शैली का उतना विकास नहीं हो पाया इसीलिए सर ठीक है जयवीर थैंक यू जयवीर यस सर आ, बिहार में कितने सीडी ब्लॉक्स हैं पाँच सौ चौंतीस सर ये ब्लॉक में सीडी का क्या मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक अच्छा ये ब्लॉक कब बने थे पहली बार पहली बार कब बने थे ये तो सर अंग्रेजी शासन के काल से ही चल रहे हैं सर लेकिन एग्जैक्ट वर्ष नहीं पता सर अच्छा बिहार में अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स कितने हैं अर्बन लोकल बॉडीज सर अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स कॉन्ग्लोमेट्स कॉन्ग्लोम एग्जैक्ट वर्ड सर ध्यान नहीं है सॉरी अच्छा सांविधिक शहर और गैर सांविधिक शहर अर्थात स्टैचुटरी टाउन और नॉन स्टैचुटरी टाउन में क्या अंतर होता है स्टेचुटरी टाउन है जिसको सरकार ने मान्यता दी है और गैर स्टेचुटरी होंगे जो जिनको सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी है लेकिन उनमें शहरों जैसा जो विकास है वो हो गया है और हो सकता है आने वाले समय में उसको भी मान्यता दी जाए सेंसस टाउन फिर किसे कहेंगे सेंसस टाउन सर नगर पंचायत नगर परिषद और नगर निगम की जो परिभाषा दी गई है बिहार में उसमें जो जनसंख्या के आधार पर इनका वितरण किया गया है कि दस लाख से अधिक होंगी तो ये नगर परिषद का क्षेत्र होगा नगर परिषद या नगर निगम नगर निगम का यह सर और इसी तरह से सर नगर पंचायत और नगर परिषद एग्जैक्ट मुझे जनसंख्या नहीं याद है लेकिन इसी तरह से दी गई सर बिहार के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है सॉरी सर उससे आपका संबंध है उस शहर से या उस जिले से आपका संबंध है सुपौल सर नहीं सुपौल नहीं मधेपुरा में भी तो पढ़े हैं ना मधेपुरा यस सर हाईस्ट है उसका यस सर गोपालगंज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी सबसे कम है और सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है यस सर क्यों ऐसा कैसे व्याख्या करेंगे गोपालगंज का सर साक्षरता दर भी ठीक है सर निम्नतम स्तर पे नहीं है सर सेक्स वह... रेशियो उनका बहुत अच्छा है यस सर सेक्स रेशियो से 1000 प्लस है सर के, हाँ भारत से भी अच्छा है यस सर और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है यस सर क्यों क्या इसके बीच कोई संबंध है सर वहाँ शिक्षा का विकास अच्छे लेवल पे हुआ है सर इस कारण से एक प्रभाव तो ये है साथ ही वहाँ पर प्रशासन भी जो है सो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी वो जो है सो विकस वो विकास कर रहा है अच्छे से सर वहाँ पर प्रशासनिक वो जो है अच्छा विकास हुआ है इस कारण से भी है सर अच्छा आधुनिक इतिहास के बारे में थोड़ा सा गौर करिए बिहार को अंग्रेज़ों के ज़माने में बंगाल प्रांत से कब मिलाया गया बंगाल प्रांत से कब मिलाया गया सर सत्रह सौ में ये पलासी का युद्ध हुआ सर उसके बाद सर बंगाल पर भी जो बिहार पर भी जो है सो दीपक किया गया कब अलग किया गया सर 1912 सौ ईस्वी में सर पहली बार जो है सो बिहार को बंगाल से अलग किया गया और फिर 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया क्यों अलग किया गया क्या बिहार के लोगों ने ऐसी मांग रखी थी कि अलग कर दिया जाए यस सर 1912 में भी मांग रखी गई थी कि बिहार का प्रशासनिक जो प्रशासनिक वहाँ परेशानियाँ आ रही है और किसी भी काम के लिए जो है सो कोलकाता राजधानी थी तो वहाँ जाना पड़ता था हाईकोर्ट भी वहीं पर सिचुएटेड था विधानसभा विधान परिषद भी वहीं थी इस कारण से जो है सो बड़े नेताओं द्वारा इसकी मांग की जा रही थी कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से और राज्य के विकास के नज़रिए से उड़ीसा के लोगों को तो पटना आना पड़ता होगा बहुत दूर होता होगा उनके लिए तो आसान था कलकत्ता जाना उड़ीसा को बंगाल के साथ क्यों नहीं रखा गया बिहार में क्यों मिला दिया गया सर बंगाल का क्षेत्र बिहार से बंटवारे के बाद भी जो अगर उड़ीसा को रख लिया जाता तो फिर भी उसका क्षेत्र जो है सो बड़ा ही रहता और प्रशासनिक सुविधा नहीं हो पाती इसी कारण से बिहार के साथ रख दिया गया बाद में हालांकि कालांतर में फिर जब मांग बढ़ी उड़ीसा के नेताओं द्वारा तो उन्नीस में अलग कर दिया गया उत्तर बिहार की भौगोलिक संरचना के कुछ लक्षण बताइए खास उत्तर बिहार सर नदियों का क्षेत्र है सर और इसमें जो है सो समतल भूमि ज्यादा है और ये उपजाऊ भी ज़्यादा है यहाँ पर कृषि प्रधान जो है सो कृषि प्रधान है ये क्षेत्र और कृषि की बहुलता यहाँ पे मकई गेहूँ ये चावल इनकी खेती मुख्यतः की जाती है और जो जल क्षेत्र वाला क्षेत्र है कोसी क्षेत्र वहाँ पर जो है सो जल कृषि भी की जाती है सर जैसे मखान मखान की खेती बहुत ज़्यादा होती है मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में लीची की ज़्यादा खेती होती है ठीक है राजवीर जयवीर जयवीर इसमें हाल ही में चंद्रयान मिशन टू खबरों में था जी आपके नजरिए में ये सफल रहा है या विफल रहा है मैडम मेरे नजरिए में तो ये सफल रहा है हालांकि ये पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया लेकिन फिर भी यह सफल है क्योंकि भारत जैसे देश ने जो है सो चंद्रयान टू पर जो है सो काम किया वो भी चंद्रमा के दक्षिणी दक्षिण ध्रुव के इलाके में जो है सो भेजने की कोशिश की जहाँ तक आज तक सफल लैंडिंग नहीं हो पाया था किसी भी देश का और हमारा भी नहीं हो पाया तो ये तो विफलता ही रही ना सफलता कैसे हुई लेकिन मैडम ऑर्बिटर हमारा जो है सो अभी भी सही ढंग से काम कर रहा है और वह जो है सो उसमें जो उसकी क्षमता है वो अच्छे मेगा के पिक्चर लेकर भेज सकता है जिससे कि रिसर्च को आगे जारी रखा जा सकता है और ये हमारी इसरो टीम जो है उस पर काम कर रही है कि बाय चांस जो है सो रोवर से फिर से संपर्क स्थापित किया जा सके लैंडर से अगर संपर्क हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी अदरवाइज फिर भी हमें जानकारी तो बहुत सारी मिल सकती है संपर्क स्थापित होने की आशंकाएं कितनी है मतलब किस स्पीड पे उसे लैंड करना था किस स्पीड तक हम पहुंच गए थे दो किलोमीटर पहले जो है सो वो जो है सो उसका संपर्क टूट गया 2.1 किलोमीटर पहले उसका जो जो जिस दिशा में उसको चलना था वहां नहीं से भाई मैं कह रही हूं कि क्या संभावना है कि वो सुरक्षित लैंड कर गया होगा बस संपर्क टूटा है वो वो नष्ट नहीं हुआ है मैडम इसकी संभावना के बारे में तो इसरो टीम प्रयास कर रही है ठीक है आप जैसा बता रहे हो कि रोवर काम कर रहा है तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में 2 में क्या मतलब

रोवर ऑर्बिटर तो ये चंद्रयान से कैसे अभी भी बेहतर है मैडम ये अभी भी काम करेगा पहले ऐसा ऐसी थी कि आठ पेलोड है तो एक साल तक ये आसानी से काम करेगा लेकिन अब ऐसी संभावना है कि अगर ये स्वतंत्र रूप से भी काम करता है तो हो सकता है ये सात साल तक काम करे और सात साल तक ये हमें चंद्रमा की जानकारी देगा और चंद्रयान वन जो भेजा गया था वो एक साल के समय में ही जो है सो उसने काम करना उससे संपर्क टूट गया था तो इसलिए ऐसा समझा तो कुछ आइडिया है गगनयान है बाईस तक जिसमें अंतरिक्ष में किसी मानव को भेजे जाने की संभावना है ठीक है इसमें से एक मानव जो सिलेक्शन होना है मतलब जिन लोगों का जो भेजे जाएंगे टीम में उनका एक का सिलेक्शन हो गया है वो टेस्ट पास कर चुके हैं बता सकते हैं कि कौन सी संस्था से लोगों को चुना जा रहा है एक पर्टिकुलर संस्था है सॉरी मैडम तो नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं पता औरतों को भेजा जा रहा है भेजा जा, भेजा जा सकता है भेजा जा सकता है है जी मैडम ठीक इससे पहले भी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जा चुकी है भारतीय मूल की ही रही है पर हम भारत से भेज रहे हैं ना इस बार तो गगनयान हमारा मिशन है तो उसके लिए हम तैयार है भेज सकते हैं ठीक है ये बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में क्या जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जी हाल ही में कुछ इंस्टीट्यूट को जो है सो ये दर्जा दिया गया है चौदह इंस्टीट्यूट है जिनको ये दर्जा दिया गया है उसमें कुछ प्राइवेट भी हैं और कुछ सरकारी बिहार से कोई इंस्टीट्यूट है जो सेलेक्ट हुआ है बिहार से नहीं हुआ आप बता सकते हैं क्या कारण है कि बिहार जो किसी जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था विश्वविद्यालय नालंदा उसके लिए और आज एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी चीज़ में भी स्थान नहीं बना पा रहा है वो अपना बिहार मैडम उच्च शिक्षा के मामले में थोड़ा पिछड़ गया है उच्च शिक्षा में जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो अभी तक आ नहीं पा रही और रिसर्च वगैरह रिसर्च जैसी चीज़ों का भी जो है सो वहाँ पे कमी देखा गया है इस कारण से जो है सो वहाँ पे स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अभी हाल में जो है सो केंद्रीय विश्वविद्यालय की दो शाखाएं स्थापित की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार और साथ ही जो है आई आई टी भी स्थापित की गई वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है फिर एम्स भी स्थापित की गई तो आने वाले समय में मुझे लग रहा है कौन अच्छा होगा कोई भी अभी तक अपना नाम बना नहीं पाया है उस तरीके से जैसे मैडम चूंकि उनकी स्थापना हाल में 2000 के बाद ही हुई है तो इसीलिए जो है सो वो अभी प्रगतिशील है और अच्छे-अच्छे रिजल्ट आईआईटी पटना से भी जो है सो कई सारे रिसर्च प्रकाशित हुए तो उम्मीद है कि ये आपने हायर स्टडीज का बताया जी। आ, हम प्राइमरी एजुकेशन के अगर बात करें तो बिहार में उसका भी स्तर जो है वो काफी अफसोसपूर्ण है अगर मैं बोल पाऊँ ये तो मैडम हाल हाँ। के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने बहुत प्रगति की है वहाँ पे आउट बहुत ही कम कि बिहार एक, अच्छा एक तो ने जैसे एक अच्छी पहल की है कि कम से कम बच्चों को स्कूल तक जोड़ लिया उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए भी जो है सो लड़कियों को साइकिल की राशि तीन हजार कर दी गई है उनको विशेष तरह के प्रोत्साहन दिया जा रहे जैसे बालिका ये वस्त्र दिए जा रहे हैं उनको किताबें दी जा रही हैं फिर आप अगर हाई स्कूल के बाद भी सर्विसेज में अगर आप सेलेक्ट होते हैं जी आप अपनी तरफ से ऐसा क्या करेंगे कि एनरोलमेंट रेशियो समझ आता है ड्रॉप आउट रेशियो कम हुआ है लेकिन क्वालिटी बढ़े ऐसा क्या आप कदम उठाएंगे जी मैं सबसे पहले शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दूंगा तो शिक्षकों को खास करके प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षक इन्वॉल्व हैं उनकी ट्रेनिंग को अच्छे ढंग से जो है संपादित कराऊंगा और समय समय पर उनको रेगुलर ट्रेनिंग की व्यवस्था करूंगा और कोशिश यही रहेगी कि उनको अन्य कार्यों से जो आवश्यक अति आवश्यक ना हो उन कार्यों से उनको अलग रखा जाए जै। जैसे जनगणना या इलेक्शन के अलावा जो अन्य कार्य होते हैं उनसे उनको अलग रखा जाए ठीक है जयवीर थैंक यू जयवीर ये बताइए कि जब हम देश के अर्थव्यवस्था के मानक तय कर रहे होते हैं नेशनल इनकम देख रहे होते हैं जीडीपी देख रहे होते हैं उसमें घरेलू श्रम जो महिलाएं करती हैं उसे शामिल नहीं किया जाता शायद दुनिया में कहीं नहीं किया जाता कुछ आज जगह को छोड़ दिया जाए तो ऐसा क्यों किया जाता है महिलाओं के श्रम को हम उसको चुरा क्यों रहे सर महिलाओं के श्रम को भले ही काउंट ना किया जाता हो लेकिन उनका भी श्रम जो है सो बहुत ही बहुत ही बड़ा तो लेकिन योगदान देता क्यों है क्यों नहीं किया जाता है इसका रैशनल क्या है औचित्य क्या है जब कोई श्रम कर रहा है तो उसकी कोई मौद्रिक मूल्य होगा ही यस फिर उसे शामिल न करने के पीछे औचित्य क्या है सर चूंकि वो प्रत्यक्ष योगदान के रूप में दिखता नहीं है इसीलिए उसे हम अभी तक तो शामिल नहीं करते लेकिन इसकी बात जो है सो चल रही है कि इस पर भी कुछ ना कुछ जो है सो होना चाहिए उनके भी कार्यों को जो है सो कार्यों का जो है सो एक पैमाना होना चाहिए जिससे पता चले कि वो कितना योगदान दे रहे हैं एक स्थिति की कल्पना कीजिए कि दो पड़ोसी महिलाएं हैं वो बजाय अपने घर में काम करने के एक दूसरे के घर में काम करने लगती हैं वही काम करती है पर एक दूसरे के और बदले में दस हज़ार रुपया लेती है दोनों जगह दस हजार रुपये लेंगी तो कुल आमदनी तो उतनी ही बराबर हो जाएगी जा। सर क्या इस केस में बीस हज़ार रुपया नेशनल इनकम में और जी डी पी में जुड़ेगा जिस सर जुड़ेगा सर तो फिर तो इसका मतलब श्रम की कीमत थी जिस सर श्रम की कीमत तो है सर लेकिन उसको अभी तक हम मौद्रिक मूल्य में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं सर अगर करेंगे तो क्या क्या बदलाव आएंगे सर क्या मह... क्या इससे परेशानियां पैदा होंगी और क्या लाभ होंगे सर लाभ तो यही होगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी उनमें भी जो है सो आत्मनिर्भरता की वो आएंगी और वो भी खुद सेल्फ डिसीजन मेकिंग का कार्य कर सकेंगी और इसमें यह होगा कि पारिवारिक खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा इससे और पारिवारिक खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है कि अगर दोनों इनकम करेंगे तो फिर जो है सो अपने अपने खर्च भी करेंगे अपने हिसाब से ठीक <laughs> है जयवीर आपसे बात करके अच्छा लगा अब जा सकते हैं थैंक यू सर बैठिए जयवीर कब है इंटरव्यू आपका बारह सितंबर सर कब जा रहे हैं दस को सर दस को जा रहे हैं जयवीर पहले आपका सिलेक्शन हो चुका है यस सर हुआ था सर ज्वाइन नहीं सर, किया नहीं सर कौन सी पोस्ट मिली थी म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम ई यू नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर कार्यपालक पदाधिकारी यस सर अच्छा नगर पालिका में तब कितने आए थे नंबर इंटरव्यू एक सौ उन्नीस ठीक है ओके जे जयिर अच्छा है आपका इंटरव्यू देखिए आप सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं आपका पहले भी सिलेक्शन भी हुआ है और यहाँ भी आप नौकरी में हैं तो बाय एंड लार्ज बीपीएससी को एक तैयार कैंडिडेट uh, मिल रहा है जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी है जैसे वर्क कल्चर का मालूम है बेसिक्स मालूम है कैसे काम करना है सो so, और जाहिर है कि uh, आपके अंदर वो उस तरह का डेस्परेशन और कंठाएँ भी uh, नहीं होंगी जो एक लंबे बेरोज़गार के साथ होती है विच इज़ गुड फॉर एनी इंस्टीट्यूशन तो कुल मिला आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं दे बी वेरी ईगर टू टेक यू ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कोई परेशानी होगी जहाँ तक आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस की बात है बाय एंड लार्ज आप अच्छा करें आ, प्लेस हैंड प्लेसमेंट को ऐसे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहे ये 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 हाथ बांधना जो है ना थोड़ा सा एनजाइटी को शो करें वॉइस लेवल ठीक है हैंड मूवमेंट जो मैंने बता दिया वह चीज़ आई कॉन्टेक्ट बाय एंड लार्ज ठीक है फ्लो भी अच्छा है फ्लो में आप में खैर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन बताना मेरा कि जो है सो है जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है ये सर अब कोई पता ही होगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कई कई बार एक ही वाक्य में दो या तीन बार भी हो रहा है आई डोंट नो इससे कुछ आ, बिहार में इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा बिहार में ये चलते चलता फ्रेज है लेकिन आ, अगर कुछ थोड़ा सा नियंत्रण कर सके, तो अच्छी बात है तो कोई बुराई नहीं है बाकी चीज़ें सही हैं मुझे आपसे थोड़ा सा जो सलाह केवल एक बार कंटेंट के स्तर पर देनी है एक तो मैथिली आपने अच्छे से तैयार नहीं किया मैथिली में आपने केवल लिमिटेड सेक्शन तैयार किया यस सर अगर समय हो तो थोड़ा सा पलट लीजिएगा और एक आध जगह पे ऐसा लगता है कि आप ईमानदार उत्तर नहीं दे रहे हैं ब्लफ करते हैं वो हिस्सा जब देखिए बहुत साधारण सा सिद्धांत है प्रश्न आता है उत्तर दीजिए नहीं आता मना कर दीजिए बीच की स्थिति है तो अनुमति लेकर यस सर ठीक है ना मसल जब आप कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तब आप ब्लफ दिखा रहे थे Yes, आ, इस बात की बाकायदा घोषणा की बहुत पहले से है और अंग्रेजों के समय से था जबकि जानते हैं कि बाद में है तो कुल मिला के, केवल इस वाले हिस्से को थोड़ा सा कर लीजिए उसमें होता क्या है कि कई बार बोर्ड मेंबर की ना ईगो हर्ट हो जाती है यस yes, कि यार ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है और बेवकूफ़ समझ रहा है ये मानकर चल रहा है कि कुछ भी बोल देगा तो चल जाएगा यस yes, सर ये स्थिति बोर्ड मेंबर्स को अगर एक बार फील होगी तो आपको नुकसान होगा अगर आपने पूछ अनुमान लगाया तब कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना अदरवाइज़ मेरे ख्याल से चीज़ें ठीक है नॉर्थ बिहार थोड़ा सा आ, अच्छे से देख लीजिएगा सिचुएशन हैंडलिंग में थोड़ा सा ये उम्मीद की जाती है कि आप आउट ऑफ बॉक्स के लिए ऐसा नहीं है कि असहज हैं आउट ऑफ बॉक्स भी सोच सकते हैं भले ही फिर बाद में उसे इम्प्लीमेंट करें या ना करें सहमत हों या असहमत हों yes, तो वो थोड़ी सी ओपननेस दिखे तो और अच्छा है ठीक yes, है बाकी चीज़ें अच्छी हैं ऑल द बेस्ट सर ये शर्ट ये वाला चल जाएगा शर्ट ठीक है मुझे दिक्कत थी जो आपने ये चश्मा और वो ओ, उसमें जल्दी बाजी लगता अंदर रह गया तो वो तो मैं है मुझे लगा कि वो तो आप ध्यान रखेंगे वायरलेस शर्ट ठीक है पर ये वहां पे ना कई बार चार घंटे साढ़े चार घंटे तीन घंटे तक वेट करना यस सर ऐसा सुनने में आ रहा है yes, इसमें ऐसे ड्रेसेस लीजिएगा जो अगर इतना वेट भी करना पड़े yes, तो स्ट्रेच ना nah. ऐसे yes, ना हो yes, ठीक है yes, ना मतलब yes, वो फ्रेश लगे yes, तो ड्र, 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 जो भी फैब्रिक आप देख रहे हो yes, से से yes, ठीक देखें ऑल द बेस्ट थैंक यू